Hello friends, welcome you all in my YouTube channel on environmental science. आज हम टाइडल एनर्जी का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो UGC NET Aug’2016 में पूछा गया था। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। An ocean wave of 2 meter height has a time period of 10 seconds. Approximate power associated with per meter of wavefront is. Option हमें दिए हैं 40, 20, 80, 2.5 units है kilowatt per meter. तो दोस्तों देख लेते हैं हमें इसमें कौन से formula के requirement है. तो इसमें जो हमारा formula use हो रहा है वो है P is equal to half h square t. तो P इसमें है पावर इन किलोवाट पर मीटर ऑफ वेव फ्रंट और जो इसमें हमारा H है वो वेव हाइट है वो है मीटर में और जो हमारा टाइम है वो है एवरेज टाइम बिटवीन अपर मोमेंट अक्रॉस मीन दैट इज इन सेकंड। जो इसमें हमारी यूनिट है आपको याद रखना है कि जो H की यूनिट होगी मीटर में रहेगी और जो टाइम की यूनिट है वो सेकेंड में ही रहेगी। अगर आपको H की यूनिट मिलीमीटर या फिर इधर किसी और यूनिट में दी होगी तो आप उसे कन्वर्ट करके मीटर में लेके आएंगे। अगर आपको एक यूनिट किसी और अदर यूनिट में दिया जैसे मिनट्स या फिर आवर्स तो आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका जो आंसर है वो किलोवाट पर मीटर में आएगा। जो एच सॉरी दोस्तों ये एच कैपिटल एच है जो हमें गिवन है टू तो एंड हमें टाइम जो गिवन है वो 10 सेकंड है तो हम दोनों वैल्यू को हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले में रख लेंगे तो हमारे टू से टू कैंसिल तो 20 किलोवाट पर मीटर हमारा आंसर आ गया यानी कि जो हमारा पावर है वो 20 किलोवाट पर मीटर ऑफ वेवफ्रंट जनरेट हो रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ऐसे ही वीडियो अगर फ्यूचर में चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करना ना भूलें।